हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआरसी एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन जो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड का नेक्स्ट जो पार्ट है मृदजीवांश पदार्थ में, वो है कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। जो पीछे वाली क्लास में भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, उसमें एक पार्ट अपन ने देखा था सरल जो शर्कराएं होती हैं उनका विघटन कैसे होता है। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन की, नेक्स्ट जो बचे हुए पार्ट हैं उनकी बात करें, कौन कौन से घटक हैं जिसमें अपन बात करने वाले हैं। स्टार्च जो होता है, स्टार्च कौन है, स्टार्च, ये स्टार्च होता है, इसका विघटन कैसे होता है इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा अपन जो प्रश्न के अंदर पढ़ने वाले हैं वो अपने पास में है, स्टार्च के अलावा जो अपने पास बच गया कौन सा, हेमी सेल्यूलोज जो होता है, हेमी सेल्यूलोज ये कैसे टूटता है, कौन कौन से पदार्थ बनाता है इसकी बातें करेंगे। और चौथा आपके पास में है वो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है वो अगर टूटता है तो क्या बनाता है उसकी अपन बातें करेंगे। और उसके बाद में अपने पास में जो प्रोटीन होती हैं अगर ये टूटती हैं तो किसका निर्माण करता है, इन पदार्थों की अपन इसके अंदर बातें करने वाले हैं, ये कैसे टूटता है। और इसके अलावा अपने पास में जो लिग्निन होता है, लिग्निन ये वाला जो पदार्थ अपन ने पढ़ा था ये कौन से भागों के अंदर टूटता है, ठीक है, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे जो स्टार्च होता है, स्टार्च, स्टार्च जो होता है मोस्टली जैसे अपने पास में होता है चावल जो होता है, उस चावल के अंदर स्टार्च पाया जाता है, क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। तो ये स्टार्च किस में टूटता है, मोस्टली जो होता है इनको तोड़ने में जो योगदान होता है वो किसका होता है भाई, एंजाइम का, किसका होता है, एंजाइम्स का योगदान होता है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स जो होते हैं मोस्टली ये क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं ये जैविक अपघटक होते हैं, क्या होते हैं, जैविक उत्प्रेरक, क्या बोलते हैं इनको, जैविक उत्प्रेरक होते हैं और उत्प्रेरण का कार्य करते हैं, तोड़ने का इनको कार्य करते हैं एंजाइम्स। और प्रत्येक को तोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं क्योंकि ये स्पेशल होते हैं, एक पदार्थ को एक ही एंजाइम तोड़ सकता है। नॉर्मली बात करें तो स्टार्च की अगर अपन बात करें तो स्टार्च को तो तोड़ने वाले अपने पास में एंजाइम्स होते हैं, इसमें डाइस्टेज एंजाइम आपके पास में कौन सा है, डाइस्टेज एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम होता है ये तोड़ने का काम करता है। और डाइस्टेज एंजाइम जो होता है ये कई पदार्थ बना लेता है, जैसे अपने पास में होता है जैसे माल्टोज होता है, स्टार्च के अंदर ये एक शर्करा है, ये अपने पास में डाइसैकेराइड शर्करा होती है, और ये माल्टोज जो होता है ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है, किससे टूटता है, ये माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है। तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये ग्लूकोज वगैरह में टूट जाता है। अब जो ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज वगैरह है इसमें टूटेगा, अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपने पास में बनेंगे ये वापस से टूट जाएंगे, और जब वापस टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 प्लस H2O का निर्माण कर लेंगे, समझ गए बातें। इस प्रकार इसका विघटन होता है, स्टार्च का विघटन होगा डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है, माल्टोज वगैरह हैं वो इसके अंदर बन जाते हैं, माल्टोज माल्टेज की वजह से ग्लूकोज बना लेता है, ग्लूकोज फिर टूट जाता है, क्या बना लेता है, CO2 और H2O सबसे लास्ट के अंदर बच जाते हैं, ये होता है इसमें स्टार्च में। ऐसे जो सेलुलोज होता है कौन, हेमी सेलुलोज जो होता है ये भी टूटता है, और जो हेमी सेलुलोज होता है वो किसमें टूटता है, हेमी सेलुलोज होता है वो सरल शर्कराओं में टूटता है, किसमें टूटता है, ये सरल जो शर्कराएं होती हैं उनके अंदर टूट जाता है, यानी सरल शर्करा अपन ने पढ़ा था, सरल शर्करा इसका निर्माण कर लेता है, सरल जो शर्कराएं होती हैं ये फिर से टूटेंगी, और किसमें टूटेंगी, ये वाली जो अपने पास में ये मिश्रण में टूट जाती है, किसमें, शर्कराओं में, किसमें टूट जाती है, जैसे अपने सरल शर्करा होती है किसमें टूटेगी, ये कहलाएगी पॉलीयूरोनोइड, पॉलीयूरोनोइड के अंदर टूट जाती हैं। और ये पॉलीयूरोनोइड जो होते हैं, ये पॉलीयूरोनोइड जो होते हैं वो अलग प्रकार की जो शर्कराएं होती हैं, शर्करा वो अम्ल होते हैं उनका निर्माण कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से अपने देखा हेमी सेलुलोज जो होता है सरल शर्कराओं में टूटते हैं, सरल शर्कराएं किसमें, पॉलीयूरोनोइड में टूटती हैं, और यहाँ से क्या बना लेती है, शर्करा व अम्लों का निर्माण कर लेती हैं, ये वो किसका होता है, हेमी सेलुलोज एंजाइम की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है। ओके, फिर आता अपने पास में सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज किसमें टूटता है, मुख्य रूप से सेलुलोज होता है उसका विच्छेदन किसमें होता है, इसकी उपस्थिति में, बैक्टीरिया की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होता है ये, बैक्टीरिया की उपस्थिति में ये वाला भाग होता है वो टूटता है, और टूटने के बाद क्या बनाता है ये, इसको कौन बोलते हैं, सेलोबायोस, क्या बनाते हैं, सेलोबायोस का निर्माण करते हैं। और जो सेलोबायोस होते हैं ये वापस से टूट के क्या बना लेते हैं, सेलोबायोस जो होता है ये टूट कर क्या बना लेता है, ग्लूकोज, क्या बना लेता है, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज वापस से टूट जाएगा तो क्या बना लेगा, CO2 प्लस H2O का निर्माण फिर से इसके अंदर हो जाएगा। तो नोट्स में अपन देखें सबसे लास्ट में क्या प्राप्त होता है, समय टूटने के बाद
कार्बनिक पदार्थों में CO2 और H2 ही अपने को प्राप्त होता है। बात करें तो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में टूटती हैं। और प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में जब ये टूटती हैं तो किसका निर्माण करती है भाई, इसके अंदर प्रोटीन जो बनी होती है किससे बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड, किससे बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड वगैरह क्या होते हैं ये अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि प्रोटीन्स वगैरह क्या होते हैं वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड से बन जाते हैं अपने पास में पेप्टाइड, क्या बन जाते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड 2D क्या बना लेते हैं एमिनो अम्ल, क्या बना लेते हैं एमिनो अम्लों का निर्माण कर लेते हैं, इसका निर्माण कर लेते हैं एमिनो अम्लों का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। मोस्टली अपन देखें यहाँ पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं उनको विस्तार से अपन देखें। प्रोटीन जो होता है ये कैसे टूट रहे हैं और उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना आगे। प्रोटीन वाले पार्ट को पता देगा प्रोटीएज एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड में पेप्टाइड और एमिनो अम्लों के अंदर ये टूट जाता है, कौन प्रोटीन्स। लास्ट अपने पास में है वो कौन है लिग्निन, कौन है लिग्निन, और जो लिग्निन होता है वो किसमें टूट जाता है, लिग्निन सबसे कठोर पदार्थ होता है तो सबसे धीरे टूटता है, सबसे धीरे टूटने वाला जो पदार्थ है सबसे धीरे विच्छेदन दर्शाता है, सबसे धीरे विच्छेदन होता है किसका लिग्निन का। अब सबसे धीरे अगर विच्छेदन इसका होता है तो इससे क्या बनते हैं, इससे बनने वाले जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कठोर प्रवृत्ति के होते हैं, यानी ये टूटेगा तो क्या बनाएगा लिग्निन जो होगा किसमें टूटेगा छोटे छोटे सरल शर्कराओं के अंदर ही टूट जाता है, और ये शर्कराएं जो होती हैं ये कठोर प्रवृत्ति के जो पदार्थ होते हैं इनसे ही इसका निर्माण होता है। तो मोस्टली अपन ने यहाँ पर देखा है कि कार्बोहाइड्रेट का जो विच्छेदन होता है कई टाइप से होता है, सेलुलोज में, हेमिसेलुलोज में निर्माण होता है, सेलुलोज किसमें टूट जाता है उसका प्रोसेस अपन ने देखा है। प्रोटीन होती है किसमें टूटती है, प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड वगैरह प्रोटीन्स में टूटती है, एक क्रम होता है छोटे से बड़ा बड़े से छोटा बनने का, वही क्रम इसके अंदर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। वो अपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन से वाले पार्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है एंजाइम जो होते हैं उनकी उपस्थिति के अंदर ही विच्छेदन की प्रक्रिया यहाँ पर पाई जाती है। ओके, ये अपन ने देखा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मोस्टली अगर अपन नॉर्मली अपन तरीके से देखें इसको सार में अपन देखें तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेटों का विच्छेदन जो होता है किसमें होता है सरल शर्कराओं में, प्रोटीन्स में, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन इनके अंदर टूटते हैं। अब इनको भी अगर अपन डिवाइडेशन एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े तो अपन इसमें देख चुके हैं सरल शर्कराएं किसमें टूटती हैं, वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति के अंदर टूट जाती हैं, इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति के अंदर टूट जाती हैं CO2 H2O बना लेती हैं। बात करें इसके अंदर अपन जो प्रोटीन होता है किसमें टूट जाता है, प्रोटीन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड में टूट जाता है और एमिनो अम्लों का निर्माण कर लेता है। दूसरा जो अपने पास में हेमिसेलुलोज जो होता है वो किसमें टूटता है, सरल शर्कराओं में टूटता है, पॉलीयुरेनाइड बनाता है, शर्करा और अम्ल बना लेता है। सेलुलोज टूटता है बैक्टीरिया की उपस्थिति में और क्या बनाता है सेलोबायोस, क्या बनाता है सेलोबायोस, ये टूट जाता है ग्लूकोज बना लेता है और ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है CO2 फिर H2O के अंदर। तो लास्ट में अपन देख रहे हैं सभी के अंदर क्या प्राप्त हो रहा है अपने को CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सबसे लास्ट में छोटे पदार्थ के रूप में अपने को मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया बड़े पदार्थों को अगर अपन तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होंगे छोटे पदार्थ प्राप्त होंगे, उस सब में अलग अलग प्राप्त होंगे, जिससे मिलकर के बना हुआ है वही तो प्राप्त होगा। अब मैं कह रहा हूँ ये पेन जो मेरे पास में जिससे मिलकर के बना हुआ है ये इसके अंदर मैं अलग पार्ट कर दिया, इसका पार्ट ये अलग कर देता हूँ, इसके अंदर रिफिल वाला पार्ट इसको अलग कर दूँ, तो जिनसे मिलकर के बना हुआ है उनको अलग अलग कर दे तो विच्छेदन हो गया। अब इनको वापस में लगा दे क्या होगा उसका निर्माण हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर पाया जाता है कि कौन किससे मिलकर बना होता है वैसे ही उसका विच्छेदन भी हो जाता है छोटे छोटे पार्टों में। जैसे अपने पास मिट्टी है, मिट्टी का ढेला अपने पास पाया जा रहा है उसको अपन तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कण मिल जाएंगे, अपने को वापस उनको वापस कर दे तो एक मिट्टी का ढेला फिर बन जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा विच्छेदन कहलाता है। ओके, फिलहाल अपन ने बात की आज कार्बोहाइड्रेटों का विच्छेदन वाला जो टॉपिक था अपना यहाँ पर है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि विच्छेदन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी बातें अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे कि कौन से वाले पार्ट में क्या है। सबसे पहले अपने दिमाग में यही रखना है स्टूडेंट्स, बेसिक चीज़ों को क्लियर करना है। मृदा जो होती है वो क्या होती है पीछे वाला चैप्टर अपने को अगर माइंड में रहेगा तो ही अपने को अगले वाले चैप्टर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगे। जैसे आपको मृदा का क्लियरिटी है कि मृदा में क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर वो क्लियर है तो आप आसानी से क्या समझ सकते हैं कि जीवांश पदार्थ क्या होते हैं। जीवांश पदार्थ अगर होते हैं
तो उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कार्बनिक है कार्बनिक घटक पाए जाते हैं, कार्बनिक घटक में कौन कौन से आते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं ये आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसके अपन ने बात की, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है उसके अपन ने यहाँ पर बात की, स्टेप से स्टेप जुड़ा हुआ है वो स्टेप टू स्टेप अपने को याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वाले अपनी क्लास में उसकी बातें और करने वाले हैं कि आगे किस प्रकार से कौन कौन से कार्य को प्रभावित करते हैं। ओके, थैंक यू।